माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका है। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है, पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एवं 16 इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसे गुवाहाटी के पास पांडू में एक मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। जहाजों को मरम्मत के लिए कोलकाता ले जाना पड़ता है, जो काफी खर्चीला है। इस कमी को दूर करने के लिए गुवाहाटी के निकट पांडू में जहाजों की मरम्मत के लिए एक ड्राई डॉक की स्थापना की जा रही है। अब इस पूरे क्षेत्र में जहाज मरम्मत का काम भी होने लगेगा, जो आर्थिक बचत के साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस जहाज मरम्मत स्थल का शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल लागत 208 करोड़ रुपए है। साथ ही पांडू टर्मिनल में एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। इसके निर्माण में 180 करोड़ की लागत आएगी। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से पीएम गति शक्ति के अंतर्गत पांडू मल्टी मॉडल टर्मिनल और नेशनल हाईवे सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे निर्बाध माल ढुलाई संभव होगा और आवाजाही को गति मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया। भारत में कई जलमार्गों के विकास होने से प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होने लगी है। इसकी पूर्ति करने के लिए IWAI द्वारा असम एवं त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट संस्थान में ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। गुवाहाटी में स्थापित किए गए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में खासतौर पर पूर्वोत्तर के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो न सिर्फ इस सेक्टर की आवश्यकता को पूरा करेगा अपितु उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज गुवाहाटी में बने मैरिटाइम स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में स्थित धुबरी, जोगीघोपा, तेजपुर, सिलघाट, निमाती और डिब्रूगढ़ में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं। माजुली द्वीप में आवाजाही के लिए रो रो और रो पैक्स की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा बोगीबील में एक स्थायी कंक्रीट टर्मिनल की स्थापना की जा रही है, जो हर मौसम में माल ढुलाई और यात्री परिवहन को सुनिश्चित करेगा। इसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर बांग्लादेश सीमा से लगे करीमगंज को ट्रांस शिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकास की अवधारणा की है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और 16 के माध्यम से संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों को देश के प्रमुख बंदरगाहों और बड़ी शहरों से जोड़ने में सफल रही है। उत्तर पूर्वी भारत में जलमार्गों के विकास से सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया है, जो समग्र विकास का द्वार खोलने के साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में सफल रहा है। इन प्रयासों से पूरा पूर्वोत्तर मुख्य धारा से जुड़कर देश की उन्नति में विशेष योगदान दे रहा है।